इधर है ना 90% अस्सलाम है वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? लो जी, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे हमारी क्लास है। तैर भाई मेरे साथ हैं। तैर का। भाई को आप जानते हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो में तैर भाई हमारे साथ थे। हाँ भाई ठीक हो? काश भाई, राज पाजी जी बना रहे मूवी और नान पाजी US drivers on the road. Comme je disais, j'ai été appelé deux fois pour des accidents mortels sur la route. And it's never fun to be there, you know. So again, if you have any question, we are here for that. If we don't have the answer, we're gonna get it and let Andy know about that. आज हमारी सेफ्टी के वाले से यहाँ पे क्लास थी ला फ्रांस में, तो उस वाले से हमने यहाँ पे जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और इसमें ज़्यादातर जो है सेफ्टी के वाले से हमें उन्होंने बताया कि सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है एज ए ड्राइवर। तो हम सब भाई जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो मैं चाह रहा था कि कोई एक एक पॉइंट जितना भी हमने सीखा सेफ्टी के वाले से, आप कोई सारे हम ड्राइवर्स हैं तो कोई बात, इमरान भाई हैं, जैसे फैसल भाई हैं अपने, एहसान भाई हैं, राजू भाई हैं, ताहिर भाई हैं और नज़ाकत भाई हैं, तो सारे कोई एक एक क्वेश्चन हमें कोई मैं पूछूँ तो आपने उसके बारे में हमें बताना है कि क्या क्या सेफ्टी के वाले से चीज़ें ज़रूरी हैं एज ए ड्राइवर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, एज ए तुसी भी बाहरों, तुसी स्टूडेंट बेस दे उत्ते इत्थे कैनेडा चाहे हो, फैसल भाई स्किल बेस दे उत्ते आए ने, नज़ाकत भाई भी स्किल बेस दे उत्ते आए ने, लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो ने वह ने कि स्किल बेस दे उत्ते जिवें असीं आने हाँ आगे तो एज ए कि जॉब तुसी समझते हो कि बेहतर है इत्थे, मतलब कि क्वेश्चन आते हैं कि एज ए ट्रैकिंग फील्ड अगर वो किसी दूसरी कंट्री च कर रहे हैं तो ट्रैकिंग दे वाले ना भी कैनेडा दे अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल स्पेशली आ जी, बिल्कुल आ सकते हैं, स्पेशली जे तुहाडा यूएई वगैरह दा लाइसेंस है तां उन तां प्रेफर करदे आ। अच्छा, यूएई दे विच अगर कोई लोग किसी अरब कंट्री दे विच नहीं या जिथे सिमिलर लॉ हैगे आ उहनां नूं प्रेफर करदे आ। लेफ्ट हैंड ड्राइव है, एयर ब्रेक्स एंड ट्रक की, उनके पास अथेंटिक लाइसेंस है अथॉरिटी से, ड्राइविंग अथॉरिटी से, उनको वर्क परमिट भी मिल सकता है आसानी से, लेकिन उनको वहाँ पे एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को, जो भी जिनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पहुँचे, अगर आप मिडल ईस्ट में कहीं पर भी हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे आप ड्राइवर हैं या फोर्कलिफ्ट चलाते हैं, तो आपके पास बड़ा अच्छा चांस है, आप कनाडा में आके बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे नोवा स्कोशिया हो गया, जिससे न्यू ब्रांसिक हो गया, यहाँ के प्रोविंस हैं उधर आप अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रक ड्राइवरों की, स्किल्ड ट्रक ड्राइवरों की, बड़ी आसानी से आपको वीज़ा और आपको जो है यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। तो आप ये इसमें अगर कोई व्यूवर ट्रैकिंग के अलावा और भी दूसरे स्किल, ट्रैकिंग के अलावा जो आपकी ट्रेड है वो उसमें आप जारी रखें, इधर हर किस्म के जो है हर फील्ड में जो है आपको ज़रूरत है, बैंकिंग होगी, कॉमर्स वगैरह होगी, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, कोई भी हैं, वो आप आएँ कनाडा में, बहुत ज़्यादा स्किल वर्कर की ज़रूरत है, अप्लाई करें और इंशाल्लाह बड़े अच्छे आप। तो ये अप्लाई करने के लिए हमें जब कनाडा की साइड पे कहीं पे विजिट करना पड़ेगा? ये इमिग्रेशन साइट है यहाँ पर cic.gc.ca, www.cic.gc.ca, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी, वर्क परमिट के लिए भी और इमिग्रेशन के लिए भी। पॉइंट्स भी ज़्यादा है, स्किल्स दे पॉइंट्स भी थोड़े ज्यादा है। ओके, यानी कि दूसरी कंट्री आते हैं उस डिपेंड ऑन योर स्किल, वो द प्रेफर भी करते हैं किडे स्किल ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ओके ओके, जबरदस्त। और फैसल पर कोई चीज अगर ऐड करना चाहो तो बस यही है। थैंक यू सो मच फैसल भाई, शान भाई, राजू भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शान भाई। I appreciate Can everybody you? Coming here. Yeah. Obviously, safety is number one importance. As you know, accidents can happen. Awareness, driver experience, whatever we can do to help you guys is something that we look forward to training.
making sure all of our drivers have the proper information going forward. Yep. So it's I welcome, I thank everybody again for taking the time. Thank you so much, Andy. Thanks, I appreciate it. Thank you. जी दोस्तों आज जो है जी हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो वीडियो बनाई है लोगों को कि जितने भी उनके क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की है कि उनको उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। बहुत से अपने भाई जो है वो पूछते रहते हैं कैनेडा आने के वाले से भी और ड्राइविंग के वाले से भी। आज सेफ्टी क्लास थी तो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ और भी ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद थे तो मैंने कोशिश की है कि कोई वीडियो बन जाए। और ताहिर भाई भी मेरे साथ हैं और ये माशाल्लाह एनी टाइम जो है ना आंसर देने के लिए मौजूद होते हैं कि किसी किस्म का अगर ये बल्कि मुझसे पूछते हैं कि अगर कोई आंसर करता है आपकी वीडियो पे तो आप मेरी कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझसे लिया करें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताया करूंगा किसी भी चीज़ के हवाले से। क्योंकि एज ए स्टूडेंट ये भी 25 ईयर अगो पहले आए थे ना, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट जी, तो इंशाल्लाह ताला आप कुछ बताया करें इस वीडियो में, थोड़ा सा टाइम दिया करें हमें व्लॉग में। बिल्कुल करेंगे जी इंशाल्लाह, जैसे हमारा लास्ट टाइम भी बात हुई थी लेकिन आपको पता है वक्त की कमी की वजह से बस उस टाइम आपने फील किया होगा कि हम जल्दी जल्दी में थे सारा कुछ, क्योंकि हमारा सेट प्लान तो होता नहीं कि कहाँ मिलेंगे क्या होगा। ये आज हमारी एक मीटिंग थी सेफ्टी के हवाले से, आपको पता है जैसे भट्ट साहब ने पहले आपको लोगों को एक्सप्लेन किया सारा कुछ और हमारे सारे भाइयों ने भी थोड़ी थोड़ी अपनी अपने इनपुट दिए उनमें, तो ये होते रहता है यहाँ पे हर साल हमारे ट्रकों की इंस्पेक्शंस भी होती हैं सेफ्टी के वाले से ही होती है, मैकेनिकल वो फिट हैं सर्टिफाइड हैं रोड पे चलने के लिए या नहीं, और फिर लॉज में जो चेंजेस आती हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कंपनी को तो उसके हवाले से वो ये मीटिंग्स अरेंज करते रहते हैं वक्त गाये बगाए। तो आज वो हमारा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था, 4 घंटे का सेशन था, हमने 4 घंटे यहाँ पे गुजारे, खाया पिया भी, रिफ्रेशमेंट्स भी थी, ड्रिंक्स थे, खाना था, जिसने जो लेना था वो ले लिया और अपना इन्जॉय भी किया, थोड़े बस जोक्स क्रैक किए और थोड़े इन्फॉर्मेशन ली एक दूसरे से। और अब हम खाली ड्राइविंग जो है ना वो ही नहीं है कि बड़ी इजी है लोगों को, ये वीडियो का मकसद ये है बिल्कुल कि ओनली आप ये ना सोचें कि ड्राइविंग जाके करना बड़ा आसान है, वहाँ पे सेफ्टी के वाले से इतनी चीजें आज हमें पता चली हैं कि भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में भी हमने बड़ी सीखी हुई है, बड़ी कंपनीज में हमने ये चीजें आती रहती हैं लेकिन बंदा भूल जाता है, भूल जाता है। वाले से हमारी जो आगे कंडीशन आ रही है वो और ज्यादा डेंजरस होगी। एग्जैक्टली जैसे मैंने 2005 में लाइसेंस लिया था क्लास 1 का ट्रक का लाइसेंस, अब अगर मुझे दोबारा कहेंगे जाके वो लाइसेंस पास करो तो मेरा ख्याल है मैं नहीं कर सकूंगा, भूल जाता है बंदा। तो ये अच्छा है हमारी कंपनी रिफ्रेशिंग कोर्स करती रहती है ताकि रिमाइंडर रहे हर एक को कि कैसे चलना है रोड के ऊपर और कैसे लोगों का ख्याल रखना है, क्योंकि अपने ख्याल के साथ साथ हमने लोगों का ख्याल भी रखना है। ये इतनी बड़ी गाड़ी होती है 40 फीट का कंटेनर या 53 फीट का ट्रेलर, फिर आपका अपना ट्रक 15 से 20 फुट तक का डिपेंड करता है कि कौन सा मार्क है, वॉल्वो है, पीटरबिल्ट है, इतनी बड़ी गाड़ी को रोकना 57,000 पाउंड्स के साथ, फिर रोड कंडीशंस वेट कंडीशन है या स्लिपरी कंडीशन है या आईसी कंडीशन है या धूप तेज है, धूप की तेज होने की वजह से भी विजन कम हो जाता है, रोड पे ट्रैक्शन कम हो जाती है टायरों की, काफी कुछ सीखा है दोबारा से, रिफ्रेश किया बेसिकली, मोस्टली चीजें पुरानी थी, थोड़े से नए लॉस थे और रिफ्रेशिंग ज्यादा था। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका, वीडियो देखते हैं लाइक करते हैं और आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, ताहिर भाई से भी होगी, मिलते रहेंगे अपनी कंपनी में ही है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ताहिर भाई। थैंक यू जी।